पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, यह जमीन आसमान या पानी झरने पहाड़ यह सब किसने बनाए हैं, हम सही में हैं या सिर्फ हमारा भ्रम है, यह सब कैसे बना, यह सब सवाल हर इंसान के मन में सदियों से चल रहे हैं। आज जब हम इतने सक्षम हैं कि हमारे भविष्य का निर्माण खुद कर सकते हैं तो हमें हमारा इतिहास भी जान लेना चाहिए। इस वीडियो में हम ब्रह्मांड के जन्म से लेकर इंसानों की उत्पत्ति और भविष्य तक की सारी संभावनाओं की चर्चा करेंगे। हमको जो आज जीवन मिला है वह हमारे ब्रह्मांड की देन है। आकाश में जितने भी ग्रह और तारे हैं वह सभी हमारे ब्रह्मांड का हिस्सा है। हमारे ब्रह्मांड का नाम मिल्की वे है, जो करोड़ों सालों से अस्तित्व में है। यहाँ हर दिन एक नए तारे बनते हैं और पुराने खत्म होते हैं। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। इसका जन्म लगभग 13.8 अरब साल पहले एक छोटे से बिंदु से हुआ, जो कि एक ऊर्जा का स्रोत था। किसी कारण से उसमें विस्फोट हो गया और उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में चारों ओर फैल गई। आप और हम सब इसी ऊर्जा से बने हैं। इस विस्फोट से हाइड्रोजन हीलियम जैसी गैसों का जन्म हुआ और इससे परमाणु बने। यह परमाणु आपस में टकरा गए जिससे प्रकाश रूपी तारों का निर्माण हुआ। कुछ सालों बाद तारों में विस्फोट हुआ जिससे हमारे सूरज का जन्म हुआ और बहुत सारे टुकड़े सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। यह टुकड़े आपस में जुट गए जिससे हमारी पृथ्वी और अन्य बहुत सारे ग्रहों का निर्माण हुआ। शुरुआत के दिनों में पृथ्वी काफी गर्म हुआ करती थी जिसमें पिघला लावा था। यह लावा पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर जाकर जमा होने लगा और हल्की चीजें जैसे मिट्टी पत्थर आदि सब ऊपर तह पर जमने लगे। इससे पृथ्वी पर मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण हुआ और गुरुत्वाकर्षण भी पैदा हुआ। इस समय पृथ्वी बहुत तेज घूम रही थी। इसका एक दिन लगभग 6 घंटे का होता था। सूर्य के चारों ओर बहुत से उल्कापिंड और ग्रह चक्कर लगाने लगे। तब एक उल्कापिंड आकर पृथ्वी की तह से टकरा गया जिसका आधा हिस्सा पृथ्वी के अंदर समा गया और आधा हिस्सा आकाश में पृथ्वी की कक्षा में चला गया और उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। इसी को ही हम चांद कहते हैं। धीरे धीरे पृथ्वी और चांद के आकार में बदलाव हुआ और यह गोल होने लगे। चांद के टकराने के बाद पृथ्वी के आकार में बढ़ोतरी हुई। चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा जिससे पृथ्वी की घूमने की गति में ठहराव आया। इसका परिणाम यह हुआ कि एक दिन 24 घंटे का होने लगा। चांद के टकराने के बाद मौसम का जन्म हुआ। पृथ्वी से उठने वाली वाष्प वायुमंडल में जमने लगी जिससे कई लाख सालों तक पृथ्वी पर बारिश हुई और महासागर बने। कुछ चीजें जो हल्की थी वो पानी के बाहर आ गई जिससे महाद्वीप बने। शुरुआत में सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। बाद में भौगोलिक बदलाव के कारण इनमें बदलाव आते गए। लोग कहते हैं कि हम बंदर के वंशज हैं, पर क्या आपको यह पता है कि हमारी पृथ्वी पर बंदर कहाँ से आए? सबसे पहले समुद्र में एक डीएनए वाले सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इसके बाद समुद्र में ही इन जीवन से मछलियों का जन्म हुआ। कुछ जीव सालों बाद समुद्र से निकलकर जमीन पर रहने लगे जैसे डायनासोर आदि। इन्हीं में बदलाव हुआ और बहुत सारे जीव जैसे बंदरों की प्रजातियां पैदा हुई। उसमें से एक प्रजाति बहुत ही बुद्धिमान थी जो दो पैरों पर चलती थी, इसी कारण उसके हाथ खाली रहते थे। इसका उपयोग यह कुछ नई चीजें हथियार वगैरह बनाने में किया करते थे। यह जीव आगे बढ़कर मनुष्य बने जिसे आज इंसान कहा जाता है। कितनी अजीब सी बात है कि हम इंसान कुछ समय से ही इस पृथ्वी पर आए हैं और इस पर हम अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अब हमें यह पता है कि हमें प्रकृति ने जन्म दिया है और अगर हम प्रकृति के नियम को तोड़ेंगे तो यह इनकी सजा हमें जरूर देगी। प्रकृति जब चाहे तब हमारा अस्तित्व खत्म कर सकती है जैसे उन्होंने डायनासोर को किया। तो यह था इंसान के जन्म से जुड़े कुछ बातें। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।